नमस्कार दोस्तों, मैं पेंटर दीप आर्ट आपका अपने यूट्यूब चैनल दीप आर्ट मधुबन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अक्षर की लंबाई और चौड़ाई के विषय में। ज़्यादातर दोस्त इस बात को समझ नहीं पाते हैं और उन्हें लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनकी इस समस्या का हल आज हम लेकर आए हैं। तो देखिए, ये दीवार जो हमारी है करीब 50 फीट लंबी है और 4 फीट चौड़ी है, और इसमें अक्षर की जो लिखाई हम लोग कर रहे हैं ये 2.5 फीट का अक्षर एक है। तो जब भी हम लोगों को लिखना हो तो 2.5 फीट का यदि अक्षर है उसकी लंबाई है तो इसकी चौड़ाई हमें तकरीबन 3 फीट रखनी चाहिए, 3 फीट सवा 3 फीट, क्योंकि उसमें मात्रा रहती है, स्पेस रहता है, तो ये सब एडजस्ट कर लिया जाता है। यदि बिना मात्रा का अक्षर हो तो 2.5 फीट का है तो हम 2.5 फीट लंबाई और 2.5 फीट चौड़ाई भी रख लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को काफ़ी अच्छा होता है। और अक्षर की मोटाई हमें करीब करीब 3.5 इंच रखनी चाहिए। यदि इतना बड़ा अक्षर है तो 3.5 इंच या 4 इंच भी कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हम लोग 3 मित्र हैं, तीनों लोग मिलकर इस दीवार की लिखाई कर रहे हैं और इसमें लिखा जा रहा है श्री प्रकाश संगीत शिक्षण संस्थान सेनापुर किराकत जौनपुर, और मैं पेंटर दीप आर्ट और मेरे फ्रेंड ये हैं तनमन आर्ट, और तीसरे फ्रेंड हैं उनको भी मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये हैं धीरज आर्ट। तो हम लोग तीनों लोग मिलकर लिखाई कर रहे हैं। आप लोगों को इस वीडियो से मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी मदद मिलेगी और आप लोग भी लिखना सीख सकते हैं। यदि दोस्तों 1 फीट का अक्षर हो तो उसमें हम लोग उसकी चौड़ाई 1 फीट और 1 फीट लंबाई रखते हैं, और उसका जो हम लोग अक्षर की मोटाई रखते हैं वो तकरीबन 2 इंच या 2.5 इंच होती है, वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि अक्षर लिखने की कई स्टाइल होती है। ये जो स्टाइल है ये बिल्कुल गोल स्टाइल है, गोल राइटिंग में हम लोग लिख रहे हैं इसको। तो आप लोग भी चाहें तो इस स्टाइल में लिख सकते हैं, या और वीडियो हमारी चैनल पर पड़ी है तो आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिए। 3D में भी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो भी हमारे चैनल पर पड़ी है, वहाँ से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं। या कोई आप लोगों की और प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का हल लेकर आऊंगा। तो इस तरह से मैं देखिए आगे आगे लिखाई कर रहा हूं, पीछे से हमारे फ्रेंड्स हैं उसको भर रहे हैं, और इसको देखिए इस तरह से हम लोग पूरा भी कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए दोस्त, आज आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह की लिखाई। देखिए ये लोगों की लिखाई इस तरह की हुई है। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी और हम लोगों की लिखाई कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।